सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तेरहवें अध्याय का हम अध्ययन कर रहे थे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये ज्ञान योग का वर्णन चल रहा है। गीता में जैसे कि कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीन प्रकार के योग का वर्णन इसमें किया गया है। और 18 के 18 अध्यायों में कहीं ना कहीं किसी न किसी श्लोक में कर्म फल के प्रति अनासक्ति की बात आ ही जाती है। अर्थात ये एक गीता का इसको सारांश कह सकते हैं, या मुख्य इसका एक ध्येय वाक्य कह सकते हैं कि हम कर्म तो करें लेकिन कर्म के फल के प्रति आसक्ति ना रखें, उसका त्याग करें, आसक्ति का त्याग करें। लेकिन उस आसक्ति का त्याग करना, ये कहना जितना सरल है, करना अत्यंत कठिन है, उतना ही कठिन है। तो यहाँ पर ज्ञान योग के द्वारा वो संभव हो सकता है, किसी कर्म को हम करें लेकिन उसके फल के प्रति हमारी आसक्ति ना रहे, आग्रह ना रहे, ये केवल ज्ञान से ही संभव हो सकता है। तो कल हम पढ़ रहे थे कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर 11 नंबर श्लोक तक लगभग 20 उपाय बताए हैं गीताकार ने, अमानित्वम से लेकर के और अदम्भित्वम से लेकर के, माने निराभिमानी होना, दंभ का न होना, यहाँ से लेकर के, और अरति जनसंसदी यहाँ तक। तो तत्व ज्ञान के लिए ये आवश्यक घटक बताए हैं। अब उस ज्ञान के द्वारा जेय क्या है, किसको जानना है हमें, क्योंकि ज्ञान तो एक साधन है और उस साधन के द्वारा किसी साध्य को प्राप्त किया जाता है। तो वो 12 नंबर श्लोक में हम पढ़ रहे थे, जेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत तत् न असत उच्यते। जेयम यत, जो जेय है, तत् प्रवक्ष्यामि, वो मैं तुझे बताता हूँ, यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जान करके तो अमृतत्व को प्राप्त हो जाएगा, अमर हो जाएगा। वो क्या है जानने योग्य, अनादिमत परम ब्रह्म, अनादि वाला, अर्थात बीच में ब्रह्म है, उसके इस साइड में जीव अनादि है, इस साइड में प्रकृति अनादि है, दोनों साइड में अनादि तत्व हैं ब्रह्म के और बीच में ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म कैसा हो गया, अनादि वाला, अनादि मत परम ब्रह्म। जैसा कल भी हम चर्चा कर रहे थे, ब्रह्म तो विराट को भी कहते हैं, ब्रह्म तो वेद को भी कहते हैं, ब्रह्म तो प्रकृति को भी कहते हैं, ब्रह्म पुरुष भी हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन परम ब्रह्म केवल मात्र एक परमात्मा ही है, परम ब्रह्म एक ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो यहाँ पर कहा परम ब्रह्म, वो परम ब्रह्म ही जानने योग्य है, और वो उसके बारे में एक पहेली जैसी है, न तत् सत् न असत् उच्यते, उसको ना तो हम सत कह सकते हैं, क्योंकि लोक में हम सत उसको कहते हैं जिसका अस्तित्व
कहीं ना कहीं इंद्रियों से जानने योग्य है, उसको हम सत कहते हैं। अर्थात रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि जो पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं वो इंद्रियों से जाने जाते हैं। कुछ विषय मन से भी जाने जाते हैं, जो अंतः इंद्रिय है, अंतःकरण है। तो ये जो परम ब्रह्म है ये इंद्रियों से जानने योग्य नहीं है, इसलिए इसको इस दृष्टि से हम सत नहीं कह सकते हैं, और उसको हम असत भी नहीं कह सकते हैं। उसको असत क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि जो कुछ भी सत्ता वाला है वो असत से उत्पन्न नहीं हो सकता है। बिना बीज के कभी वृक्ष नहीं हो सकता है, बिना कारण के कभी कार्य नहीं हो सकता है। तो कार्य रूप में जो भी हमें ये जगत दिखाई दे रहा है, या पिंड में अपना अस्तित्व दिखा, अपने शरीर का अस्तित्व दिखाई दे रहा है, तो इसका कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। तो इस जगत का निमित्त कारण परम ब्रह्म है, परमात्मा है। इसका मूल प्रकृति से ये सारा जगत बना है, मूल प्रकृति के जो 23 विकार हैं जिनकी कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, सत्व रजस्तम साम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महतोहंकार अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि, और उन स्थूल भूत से, पांच स्थूल भूत से फिर ये सारा जगत बन गया है, ये कई बार हमने चर्चा की है। लेकिन वो कैसे होता है? क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, और जड़ में कोई परिवर्तन यदि, कोई गति यदि आती है, तो वो बिना चेतन की सहायता के नहीं आ सकती है। तो उस जड़ प्रकृति को भी गति देने वाला, उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन लाने वाला कोई चेतन ही हो सकता है। तो इसलिए उसको असत भी नहीं कह सकते हैं हम, न तत्सत न असत। इसको और आगे खोल रहे हैं, अगले 13 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृच। वो जो ब्रह्म है उसको कैसे जाने? वो ब्रह्म ना सत है ना असत है। अर्थात यदि वो सत स्वरूप जो इंद्रियों से जानने योग्य जो विषय है, यदि ऐसा होता तो हम उसको जान इंद्रियों से या कर्म इंद्रियों से या मन से या बुद्धि से उसको हम जान पाते। और असत भी नहीं है वो, अर्थात उसकी उसी की ही सत्ता है, तो फिर उसको कैसे जाने? ये विरोधाभास वाला ब्रह्म, ये इतना जटिलता से प्राप्त होने वाला ब्रह्म, उसको कैसे जाने और कहाँ जाने? वो कौन सा स्थान है जहाँ हम उसको ढूंढें, जहाँ हम जाकर के उससे बातचीत करें, जहाँ हम जाकर के उसको अपनी पूजा आराधना से प्रसन्न करें? तो उसको कैसे जाने? तो गीता जी उसका उपाय बता रही हैं, सर्वतः पाणिपादं तत् करें। कोई खास जगह नहीं है जहां करके आप जा करके आप उसकी खोज करें, उसके तो सर्वतः पाणि पादम, सब जगह उसका, पाणि मतलब हाथ और पादम मतलब पैर, उसके तो हाथ और पैर सब जगह हैं। सर्वतः पाणि पादम तत् सर्वतो अक्षी शिरो मुखम, और सब जगह उसकी आंखें हैं, सब जगह उसका शिर है, सब जगह उसका मुख है, सर्वतः श्रुतिमत सब जगह उसके कान हैं जिससे हमें श्रवण की प्राप्ति होती है, लोके इस लोक में सर्वम आवृत्य और इस सब को आवृत करके वो तिष्ठति, वो ब्रह्म ठहरा हुआ है, अस्तित्व में है। सर्वतः पाणी पादम सब जगह उसी के हाथ हैं। हम देखते हैं जब कभी हमें पाताल में, पृथ्वी लोक में, आकाश में, कहीं गुफा में, कहीं समुद्र के बीच में, कहीं नदी के बीच में, कहीं जंगल के बीच में, जब जहाँ कहीं भी हमें कोई आपत्ति आती है, कोई इस तरह की परिस्थिति हमारे सामने आती है,
तो हम उसको पुकारते हैं रक्षा के लिए। मान लीजिए कोई फ्लाइट में भी यात्रा कर रहा है और उस समय कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, तो व्यक्ति क्या करता है? ईश्वर को पुकारता है। और जहाँ कहीं भी हम होते हैं, वहीं पर ही हम आपातकाल में, संकट काल में, विपत्ति काल में उसको सहायता के लिए बुलाते हैं और उसके हाथ आकर के हमें थाम लेते हैं। तो वो हाथ कहाँ से आए? तो वो सब जगह हैं। वो जल में भी हैं, वो थल में भी हैं, वो आकाश में भी हैं, वो अंतरिक्ष में भी हैं, वो पाताल में भी हैं। सब जगह उसके हाथ हमारी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। और हाथ तो वहीं उपस्थित होंगे जहाँ पैर भी हों, क्योंकि व्यक्ति पैर से चल के जाएगा तब तो हाथ से रक्षा करेगा। तो इसलिए सर्वतः पाणि पादम, उसके पैर भी सब जगह, सब जगह व्याप्त है वो। कैसे पता लगा? जब कोई व्यक्ति उसकी पूजा अर्चना करना चाहता है, उसको प्रणाम करना चाहता है, जैसे मान लीजिए कोई कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सुबह सुबह उठते ही उस अज्ञात ब्रह्म को, उस परम ब्रह्म को प्रणाम करना चाहते हैं, उसको चरण स्पर्श करना चाहते हैं, साष्टांग प्रणाम करना चाहते हैं उसके चरणों में। कुछ लोग किसी पर्व विशेष में माता पिता गुरुजनों के, ईश्वर के चरण स्पर्श करना चाहते हैं, तो वो कहाँ करें? और फिर एक साथ ही करोड़ों लोग करते हैं और उसी पर्टिकुलर टाइम में करते हैं। लोग बताते हैं कि आज का ये जो त्योहार है, इसमें जो शुभ मुहूर्त है पूजा का, वो इतने बजे का है, तो उतने ही उसी टाइम में करोड़ों लोग उनकी पूजा के लिए फिर उनको प्रणाम करते हैं, उनके पैरों को चंदन लगाते हैं, उनके पैर धुलते हैं। तो अगर वो एक जगह हो तो करोड़ों लोग एक ही समय में उनकी पाद पूजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम कहीं भी हैं, हम किसी भी देश में हैं, किसी भी काल में हैं, किसी भी स्थान पे हैं, किसी भी जाति में हैं, मजहब में हैं, किसी मत पंथ संप्रदाय में हैं, जब भी हम, जहाँ भी हम, जिस भी देश में, जिस भी काल में हम उसकी पाद पूजा करना चाहते हैं, उसका चरण स्पर्श करना चाहते हैं, उसके चरणों में अपना मस्तक झुकाना चाहते हैं, अपना मस्तक रखना चाहते हैं, समर्पण करना चाहते हैं, वहीं उसके पैर उपस्थित हो जाते हैं। वो हमारे भाव के अनुसार हमारी उस पाद पूजा को स्वीकार कर लेता है। इसलिए यहाँ गीताकार कहते हैं सर्वतः पाणि पादम तत्। सब जगह उसके पैर हैं, सब जगह उसी के हाथ हैं। सर्वतः पाणि पादम तत्। सर्व तो अक्षी, अक्षी माने आंखें, सब जगह उसकी आंखें हैं। ये लगभग वैसा ही वर्णन है जैसा हमने पहले 11वें अध्याय में जो विराट रूप का दर्शन किया था ब्रह्म का, और जो वेद में भी जो पुरुष सूक्त में उसका वर्णन आता है, और ऋग्वेद में भी, ऋग्वेद के दशम मंडल में 81 नंबर सूक्त का जो तृतीय मंत्र है वो भी लगभग इसी प्रकार का है। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखः विश्वतो बाहुरुत विश्वतः पात स बाहुभ्याम धमति स पतत्रयी द्यावा भूमि जनयन देव एकः। ऐसे मंत्र आता है। विश्वतश्चक्षुः, विश्वतः माने सब तरफ, सब तरफ उसकी आंखें हैं। विश्वतो मुखः, सब तरफ उसका मुख है। विश्वतो बाहु, सब तरफ उसकी भुजाएं हैं। उत विश्वतः पात, और सब तरफ उसके पैर हैं। स बाहुभ्याम धमति, वो ही भुजाओं के, अपनी भुजाओं से सबको रक्षा कर रहा है, धारण कर रहा है। स पतत्रयी द्यावा भूमि जनयन देव एकः। तो सब तरफ उसी ने ही अपने द्युलोक और पृथ्वीलोक को अपने पैरों से माप रखा है, और वो एक ही देव है। तो ऐसा ही वर्णन इस श्लोक में भी है, सब तरफ उसकी आंखें हैं। इधर उधर से बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, देख रहा कण कण में बसा वो, उसकी नजर से बच ना सकेगा। जिसे वो ना जाने ऐसा दुनिया में क्या है, भगवान जैसा
कोई नहीं, हम प्रार्थना भी करते हैं तो हम सारी दुनिया से तो नज़र छिपा सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति जब कोई पाप कर्म करता है, जब कोई विपरीत कर्म करता है, तो वो कभी भी सबके सामने नहीं करता है, या तो दरवाज़ा बंद करके करता है, या तो वो कहीं एकांत में जाके, कहीं जंगल में जाके, कहीं ना कहीं छिपके ही करना चाहता है, उसको लगता है कोई भी नहीं देख रहा है इस समय। लेकिन दो तो उस समय भी देख रहे होते हैं, उन दो का कभी अभाव नहीं होता है। एक मेरा स्वयं का अस्तित्व, मेरी स्वयं की आँख, और एक उस पर ब्रह्म की आँख। वो दो आँखें, उससे हम कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। तो ये हम कह ही नहीं सकते हैं कि किसी ऐसे स्थान में जा करके हम कोई ऐसा काम करें जहाँ कोई भी नहीं देख रहा है। लेकिन क्योंकि हमारी स्थूल दृष्टि है, इसलिए हमने अपने शरीर को ही अपना आप मान लिया, दूसरे शरीर को दूसरा मान लिया है। तो हमें लगता है कि जब कोई दूसरा शरीर हमें नहीं देख रहा है, इसका मतलब कोई भी नहीं देख रहा है। लेकिन वो प्रभु सर्वतो अक्षी, सब तरफ उसकी आंखें हैं। ये हमें कैसे पता लगा कि सब तरफ उसकी आंखें हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति कितना भी छिप करके कोई पुण्य करे या पाप करे, और यहाँ तक कि बाह्य दृष्टि से नहीं, मन के अंदर भी हम जो विचार करते हैं, और मन के अंदर भी जो हम किसी के प्रति भावना रखते हैं, अच्छी भी और बुरी भी, तो उसका वैसा ही प्रतिफल हमारे जीवन में दिखाई देता है। अब हम दूसरों के सामने तो किसी दूसरे की बुराई नहीं करते हैं, उसके सामने तो उसकी निंदा नहीं करते हैं, उस व्यक्ति के सामने तो नहीं करते हैं, लेकिन किसी दूसरे के सामने करते हैं। लेकिन और भी ज़्यादा स्मार्ट लोग जो होते हैं, वो दूसरे के सामने भी निंदा नहीं करते, लेकिन अपने मन के अंदर उस व्यक्ति के प्रति प्रतिपल एक कॉमेंट्री चल रही होती है हमारे मन में, और हम किसी न किसी रूप में उसका अवमूल्यन कर रहे होते हैं, उनके उनके दोषों का दर्शन कर रहे हों। वो व्यक्ति ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये तो बिल्कुल गलत है, थोड़े दिन में पता लग जाएगा। कभी तो हमें ऐसे लगता है कि अगर ईश्वर है इस संसार में, तो उस व्यक्ति का जरूर बुरा होना, बुरा करने वाला है जिसको मैं पसंद नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। और वो यदि बिल्कुल गलत है, तो ईश्वर तो मेरी प्रार्थना सुनने वाला है, और आज नहीं तो कल, या तो आज हमारा वश चले तो हम आज ही उसको दंड देना चाहते हैं। यदि वो कोई निर्बल है हमारे से, आयु में हमारे से कम है, धन में हमारे से कम है, विद्या में, डिग्री में, ज्ञान में हमारे से कम है, पद प्रतिष्ठा में यदि वो हमारे से नीचे काम कर रहा है, तो हम उसको आज ही दंड देना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी दृष्टि में दोषी है। और यदि कोई बड़ा है जिसको हम दंड तो नहीं दे सकते, लेकिन उसको पसंद नहीं करते, तो फिर हम अंदर अंदर सोचते रहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये बिल्कुल गलत है, और मैं भगवान से उसके बारे में प्रार्थना करूँगा या करूँगी, और भगवान उनको दंड देंगे, और आज नहीं तो कल जरूर देंगे। आज मिले तो बोले कि देखो तुरंत दंड दे दिया भगवान ने, आज नहीं मिले तो भी हम आगे टाल देते हैं कि चलो इस जन्म में नहीं मिला तो भी अगले में जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम मन में भी जो दूसरों के प्रति एक कमेंट्री करते रहते हैं, एक हमारा आत्म संवाद जो चल रहा होता है, उसको भी ईश्वर जानता है। और जैसी हमारी भावना, वैसा ही फिर वो उसके जीवन में, तो पता नहीं वो फल आएगा कि नहीं आएगा, हमारे जीवन में जरूर आ जाता है। तो जो हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो समझ लो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको धारण करके, और वो हमारे जीवन में घटित होने लगता है। जब हम दूसरे के गुणों को देखते हैं, कितना अच्छा आदमी है, कितना सेवा भाव है इसका, कितना इसने संघर्ष किया, कितना इसने तप किया, कभी ना कभी तो भगवान इसको इससे भी अच्छा फल देंगे, इस प्रकार जब हम किसी और के बारे में सोचते हैं, तो पता नहीं उसका तो भला कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा, कर्मफल व्यवस्था को हम नहीं जानते, पर हमारा भला जरूर हो जाता है। ऐसा सोचते ही हमारे अंदर गुड हार्मोन्स पैदा होते हैं, हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा होती है, हमारी आत्मा का बल बढ़ने लगता है, हम निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा जो हमें बुरा लगता या परमात्मा को बुरा लगता।
तो निर्भयता अपने आप में ही एक शक्ति है, भय अपने आप में ही एक हिंसा का कारण बनता है। हमने कई बार चर्चा की कि अध्यात्म की जो नींव है, जो बेसमेंट है, वो अहिंसा है, और अहिंसा में व्यक्ति तब ही प्रतिष्ठित होता है, अहिंसा की खोज की जाती है अपने जीवन में कि सुबह से शाम तक मैं कब कब हिंसक होता हूँ, कब कब अहिंसक होता हूँ। तो अहिंसा हमारे मन में तभी उत्पन्न होती है जब हम भयभीत होते हैं, हमें डर लगता है। जैसे मान लीजिए कोई सांप, बिच्छू, कोई कुत्ता, बिल्ली हमारी तरफ आता है, हमें लगता है कि ये हमें काट लेगा, या ये हमारे बनाए हुए किसी पदार्थ को जूठा कर डालेगा, या उठा करके ले जाएगा। तो ये भय उत्पन्न हुआ हमारे मन में, और भय उत्पन्न होते ही हमें अगला विचार आया कि उसको भगाओ, या उसको पिटाई करो, उसको मारो, पत्थर मारो, डंडा मारो, उसको वाणी से बुरा बोलो, उसको धमकाओ, तब हिंसा की उत्पत्ति होती है। और जब हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हम ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी की स्तुति करते हैं, ईश्वर की स्तुति गान करते हैं, किसी वरिष्ठ व्यक्ति का, किसी सुपात्र का गुणगान करते हैं, तो हमारे मन में निर्भयता उत्पन्न होती है, और उस निर्भयता से फिर हमारे अंदर अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है। तो बात यहाँ यह चल रही थी, सर्वतो अक्षी, सब तरफ उसकी आंखें हैं, बाहर भी सब तरफ उसकी आंखें हैं, बाहर भी वो सब तरफ देख रहा है, और हमारे चित्त के अंदर भी आंखें हैं। ये वाली आंखें तो केवल बाहर देखती हैं, लेकिन एक आंखें हमारे चित्त के अंदर, जो हमारी आत्मा के अंदर जो परमात्मा बैठा है, उसकी आंखें अंदर का भी जानती हैं। हमारे मन में, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, क्या विचार, क्या भाव चल रहा है, उसको भी वो देखती हैं, और इसलिए वो वैसा फल दे पाती हैं। हर व्यक्ति को अपने ही कर्मों के अनुसार, चाहे वो उसके मानसिक कर्म हैं, चाहे वो उसके शारीरिक कर्म हैं, या उसके वाचिक कर्म हैं, जैसा जिसका कर्म है, उसको वैसा वैसा ही फल मिलता है। ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। तो ये न्याय व्यवस्था तभी चल सकती है, तभी चल पाती है, जब उसकी आंखें सब तरफ हों। इसलिए यह श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन किया, सर्वतो अक्षी, सर्वतो शिरः, उसका सिर सब तरफ है। हम मनुष्यों की आंखें तो एक साइड में होती हैं, हम सिर्फ सामने का देख सकते हैं, या फिर हम गर्दन घुमाएं तो हम दाएं बाएं का देख सकते हैं, लेकिन पीछे का भी हम थोड़ा सा देख सकते हैं इन आंखों से, लेकिन हमें गर्दन घुमानी पड़ेगी, और जिस समय हम पीछे गर्दन घुमाएंगे तब आगे का नहीं दिखेगा, जब हम आगे देख रहे हैं तब पीछे का नहीं दिखेगा, जब हम राइट साइड देखेंगे तो लेफ्ट का नहीं दिखेगा, जब लेफ्ट देखेंगे तो राइट का नहीं दिखेगा। एक ही तरफ हमारी आंखें एक समय में देख सकती हैं, लेकिन ईश्वर ऐसे एक एक प्राणी को एक एक समय में, एक एक जगह में ऐसे तो नहीं देख सकता है। जो जहां जो कर रहा है एक ही समय में, और अंदर भी और बाहर भी, तो वो देख पाना, उसकी सब तरफ आंखें हों, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये संभव है, ये न्याय व्यवस्था। इसलिए यहाँ कहा सर्वतो अक्षी, सब तरफ उसकी आंखें हैं, सर्वतः शिर है, उसका सिर सब तरफ है, अर्थात हम उसको तिलक लगाना चाहते हैं, उसकी पूजा करना चाहते हैं, उसको हम माला पहनाना चाहते हैं, तो कहाँ पहनाएं? कह रहे जहां कहीं भी आप पहनाओगे वो सब उसी का ही रूप है, वहीं वो प्रकट हो जाएगा। तो सब तरफ उसी का सिर है। सर्वतो मुखम, मुख खाने का काम करता है और बोलने का भी काम करता है, दो काम करता है। तो जब कोई अपने आराध्य देव को कोई भोग लगाना चाहता है, कुछ अर्पण करना चाहता है, तो उसको कैसे खिलाएं, तो उसमें बड़ा विवाद चलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने भगवान जी को भोग लगाया, हमने कृष्ण भगवान को लगाया, शिव को, जिसका जो आराध्य देव है वो उसको भोग लगाते हैं। दूसरे बोलते हैं कि वो तो पत्थर है, वो खा ही नहीं सकता है, तो आपका तो भोग लगाना व्यर्थ है। तो उनसे पूछते हैं कि फिर आप कैसे भोग लगाते हैं, आप ही बता दीजिए। तो कहते हैं कि हम तो अग्नि को अग्नि में डाल देते हैं पदार्थ, और अग्नि जो है वो सब देवों का मुख है, ऐसा वेद ने कहा है। तो वो कहते हैं कि ये जो पत्थर की मूर्ति है, ये पार्थिव है, पृथ्वी तत्व से बनी है,
इसको आप जड़ पूजा बता रहे हैं। अग्नि भी एक पंच महाभूतों में एक महाभूत है, तो आप भी उस महाभूत की ही पूजा कर रहे हैं, तो आप भी जड़ पूजा ही कर रहे हैं, तो ये बड़ा विवाद चलता है। और हर व्यक्ति अपने अपने मत पंथ संप्रदाय को, अपने तरीके को, अपने ही सिद्धांत को सिद्ध करने में पूरा जोर लगा देता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि जो कुछ भी हम श्रद्धा से देते हैं, गीता की ही भाषा में पत्रम पुष्पम फलम तोयम पहले भी आया था, तो वो जो कुछ भी मुझे श्रद्धा से दिया जाता है उसको मैं ग्रहण करता हूँ, ये पहले भी हमने जाना। और यहाँ दोबारा कह रहे हैं कि सर्वतो अक्षी सर्वत शिर सर्वत मुखम, सब तरफ उसी का मुख है, जहां जो कोई श्रद्धा से मुझे कुछ भी देता है उसको मैं ले लेता हूँ, अर्थात उसको खा लेता हूँ। और यहाँ तक कि हम अग्नि को भी छोड़ दें, जड़ पूजा को भी छोड़ दें, हम श्रद्धा से किसी मनुष्य को देते हैं, तो जो हम मनुष्यों के मुख में जाता है वो भी ब्रह्म के ही मुख में जाता है। हम सबके जो मुख हैं, चाहे वो मनुष्यों के मुख हैं, चाहे वो दूसरे प्राणियों के हैं, कुत्ता बिल्ली गाय बकरी भेड़ जो भी प्राणी हैं, उन सब के मुख को भी ब्रह्म का मुख ही कहा गया है। तो हम अपने सामान्य कर्तव्य कर्म करते हुए, पारिवारिक दायित्व निभाते हुए ही उस परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो बाह्य किसी कर्म कांड से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि आंतरिक शुद्धता से और ज्ञान से उसकी अभिव्यक्ति होती है। ज्ञान योग चल रहा था, तो इसको हम ऐसे ही आगे जारी रखेंगे। आज यहीं इस चर्चा को हम विराम देते हैं, समय हो गया। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।